हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैंने आप सभी से कहा था कि मैं 6 अगस्त को सीबीएसई ऑफिस जाऊंगा और आप लोग जितने भी डाउट्स हैं, चाहे डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी संबंधित हो, री एग्जाम से संबंधित हो, कंपार्टमेंट एग्जाम से संबंधित हो, या आप किसी एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप कितना दे सकते हैं, क्या आप एक पेपर दे सकते हैं, क्या आप दो सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें दोस्तों जो आपके डाउट्स हैं, क्या आप स्कूल पर शिकायत कर सकते हैं, क्या आपके बिना एग्ज़ाम के नंबर पढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें दोस्तों मैंने वहाँ पर पूछी और मैं आप सभी को एक एक करके सारी जानकारी देने वाला दोस्तों, और 100% सही जानकारी दोस्तों, किसी प्रकार की कोई बनावटी नहीं। मैं स्वयं सीबीएसई ऑफिस गया था, बट वीडियो बनाने में थोड़ी देरी इसलिए होगी कि दोस्तों मेरे घर से सीबीएसई ऑफिस 2 घंटे का रास्ता है और 2 घंटे जाने में और 2 घंटे आने में लग गया, इसीलिए दोस्तों थोड़ा लेट बना रहा हूँ, बट 100% सही बना रहा दोस्तों। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब दोस्तों मिलने वाले हैं, स्किप ना करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो मैंने वहाँ पर पूछा दोस्तों कि जो सेटलमेंट कमेटी या डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी वो कैसे काम करेगी, हम अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कराएं जिससे हमारे जो नंबर है बिना एग्जाम दिए बढ़ जाए। तो दोस्तों ध्यान से सुनना दोस्तों, हर एक बात को ध्यान से सुनना, हर एक बात आपके काम आने वाली है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। बहुत ही मेहनत लगी वहाँ तक जाके आने में, पूछने में, क्योंकि आसानी से कोई जवाब देने को तैयार नहीं था, बहुत मशक्कत करनी पड़ी आप सभी के जो क्वेश्चन थे उनसे जवाब लाने के लिए। तो डिस्प्यूट कमेटी का जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, मैंने उनसे पूछा कि सर जो है आप डिस्प्यूट कमेटी कैसे काम करें, क्या हम अपनी शिकायत कहाँ करें, स्कूल में करें या हमें सीबीएसई ऑफिस जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा कि यदि आपको अपने नंबर से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट है, यदि आप अपने नंबर से सहमत नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो दोस्तों आपको स्कूल नहीं जाना है, आपको अपने रीजनल जोन, जी हाँ दोस्तों, जो आपका स्कूल है वो जिस रीजनल जोन में आता है, जैसे अगर मैं बात करूँ एग्जांपल के तौर पर, जहाँ दोस्तों मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो हमारा जो स्कूल आसपास के इलाके में आता है वो जोन नंबर 12 में आता है, जोन नंबर 17 में आता है। तो जैसे जैसे जिस भी इलाके में आपका जोन डिवाइड होगा, उसी जोन के रीजनल ऑफिस में आपको जाना है, वहाँ पर जो डी ऑफिस है वहाँ पर आपको जाकर अपने नंबर से संबंधित शिकायत को दर्ज करना है कि आप इसे सहमत क्यों नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दर्ज करेंगी। और दर्ज करने के बाद दोस्तों जितने भी बच्चे वहाँ पर जाएंगे उनकी वो शिकायत लेकर दोस्तों सीबीएसई ऑफिस जाएंगे, या तो आप डायरेक्ट रीजनल ऑफिस जा सकते हैं या सीबीएसई ऑफिस भी जा सकते हैं दोस्तों। दो तरीका है आपको अपने जो आपके नंबर पढ़ाने का, जो डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी उसके साथ में, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी के पास जो आपका रीजनल ऑफिस है वो सारी क्वारी इकट्ठा करके उनके पास भेजेगा, और उसके बाद जो डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी है वो जांच करेगी, और जांच करने में यदि आपका नंबर बढ़ाए जा सकते हैं तो आपका नंबर बढ़ेंगे, बट अगर आपके नंबर घटेंगे तो वो नंबर घटा भी देंगे दोस्तों। याद रखना यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी दोस्तों, यदि आप अपने नंबर से सहमत हैं तो ठीक है, नहीं सहमत है तो आपको डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी में आपके रीजनल ऑफिस में जाना है और वहाँ पर शिकायत करनी है, और शिकायत की सारी जो चीज़ें हैं वो जो आपके रीजनल ऑफिसर हैं वो कहाँ ले जाएंगे, डिस्प्यूट कमेटी के पास, और डिस्प्यूट कमेटी जो है सेटलमेंट कमेटी उसमें जांच करेगी, अगर जांच में पाया गया कि आपके नंबर बढ़ने योग्य है तो बढ़ा दिया जाएगा और घटने योग्य तो घटा दिया जाएगा, ठीक है। तो दोनों चांसेस हो सकते हैं, बढ़ाए भी जा सकते हैं और घटाए भी जा सकते हैं, क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए, अब बहुत से बच्चों का प्रश्न था सर क्या हम एक पेपर का री एग्जाम दे सकते हैं, दो का दे सकते हैं, तो जी हाँ आप एक पेपर का भी री एग्जाम दे सकते हैं, दो पेपर का भी री एग्जाम दे सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है, यानी एक से अधिक पेपर का भी आप री एग्जाम दे सकते हैं, जी हाँ दोस्तों री एग्जाम दे सकते हैं एक से अधिक पेपर का भी, चाहे जो जिस भी पेपर के आप मान लेते हैं कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में से अगर आपके इंग्लिश में आता है तो आप इंग्लिश में री एग्जाम दे सकते हैं, अगर आपके इंग्लिश में कम नंबर आए तो, क्लियर हो गया। चलिए, अब दूसरी बात, री एग्जाम होंगे कब दोस्तों, तो री एग्जाम जो होंगे दोस्तों 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच करवाए जाएंगे, डेट शीट जल्दी जारी कर दी, हो सकता है आज शाम को जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आप तक पहुँचेगी, हो सकता है तब तक नोटिफिकेशन आ जाए, हो सकता है 7 अगस्त तक आ जाए, बट जल्दी आ जाएगी। और उन्होंने कहा है कि विद इन, जैसे आपके एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम होने के तुरंत बाद ही आपके रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, जिससे आपको किसी प्रकार का जो एडमिशन लेने में दिक्कत ना हो। बट दोस्तों उन्होंने किसी भी तरीके से एग्ज़ाम को खारिज करने से मना कर, उन्होंने कहा कि नहीं एग्ज़ाम लिए जाएंगे, एग्ज़ाम के बाद ही होगा, क्योंकि बिना एग्ज़ाम दिए कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैंने कहा कि स्कूल वालों का क्या होगा,
जिन्होंने उनसे भेदभाव किया है, तो उस बात को लेकर उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। दोस्तों ने कहा कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी है वही निर्धारित करेगी कि आपके साथ भेदभाव किया गया है या नहीं किया गया है। अगर भेदभाव में आपके साथ भेदभाव हुआ है और वो भेदभाव सही निकला तो स्कूल वालों पर कार्रवाई की जाएगी, ये उन्होंने कहा है। यहाँ पर दो बात उन्होंने कहा है कि मैंने पूछा सर कि एग्जाम कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना की स्थिति सही रहती तो एग्जाम आपके ऑफलाइन होंगे, जो स्कूल में या आपका जो सेंटर पड़ेगा वहां पर देना होगा। क्लियर हो गया। यदि कोरोना की स्थिति लगातार, जैसे आप देख रहे हैं कि कोरोना धीरे धीरे बढ़ रहा है, डेल्टा वेरियंट लगातार पाया जा रहा है, केरल में तो 22,000 के केस आसपास आ चुके हैं, तो ऐसे स्थिति में ऑनलाइन एग्जाम भी करवाए जा सकते हैं, बट कंफर्म नहीं है। अभी आपको ऑफलाइन के लिए तैयारी करनी है, जो भी बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं। बट एग्जाम के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन उन्होंने तैयार नहीं रखा है कि उन्होंने 100% कहा कि एग्जाम होंगे, एग्जाम होने का कोई, एग्जाम कैंसिल होने कोई चांस ही नहीं है। मैंने आप सभी से कहा था मेरे दोस्तों, अगर आप एक साथ खड़े होंगे तभी आपकी बात मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जनसंख्या, जो असंतुष्ट बच्चे हैं वो जो संतुष्ट बच्चे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, जो असंतुष्ट उनकी संख्या कम है। इस वजह से जनसंख्या के भेदभाव के आधार पर भी आपके साथ सुनवाई नहीं की जाएगी, हमेशा होता आ रहा है भारत में। दोस्तों क्या प्राइवेट विद्यार्थियों की बात देख लें, जो प्राइवेट क्लास 10th और 12th के हैं उनका तो एग्जाम ही कैंसिल नहीं हुआ, उनका तो एग्जाम देना ही होगा। क्लियर हो गया दोस्तों। कंपार्टमेंट वाला जो भी, जिनके भी कंपार्टमेंट है उनके लिए भी मैंने पूछा कि कंपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि कंपार्टमेंट वाले भी एग्जाम दे सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं बहुत से बच्चे पूछ रहे थे। और एक चीज़ बहुत से बच्चे ने पूछा था कि सर क्या हमें प्रैक्टिकल भी दोबारा देना होगा? तो दोस्तों आपके प्रैक्टिकल दोबारा नहीं होंगे, बस आपके थ्योरी के पेपर होंगे, यानी जो प्रैक्टिकल में आपके नंबर मिल गए हैं वही रहेंगे, प्रैक्टिकल आपके नहीं लिए जाएंगे, केवल थ्योरी का ही पेपर आपका होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब दोस्तों प्राइवेट कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। जो प्राइवेट कैंडिडेट थे, तो प्राइवेट कैंडिडेट का भी एग्जाम होने वाला है दोस्तों 16 अगस्त से लेकर का 15 सितंबर के बीच, चाहे वो क्लास 10th के हों चाहे क्लास 12th के हों। और जल्दी ही जो भी उनके एग्जाम सिर्फ जो भी उन्होंने फॉर्म भरा था उस फॉर्म के आधार पर उनके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, कंपार्टमेंट हैं, पत्रचार वाले हैं, उनके लिए एक जरूरी सूचना ये है कि जो भी उनके एग्जाम सिर्फ है, जो जिनसे उन्होंने एडमिशन लिया था, वो एडमिशन स्लिप से वो चेक करते रहें, उसी में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर क्या स्कूलों पर कार्रवाई की जा सकती है? तो दोस्तों स्कूलों पर कार्रवाई तो नहीं की जा सकती, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी कोई निर्णय करेगी तभी स्कूलों पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। हाँ, यहाँ पर मैंने बात करी कि सर जो आपने रेफरेंस ईयर यूज़ किया था, उस रेफरेंस ईयर का खामियाजा बहुत से बच्चों भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो स्कूल अपना परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों में ख़राब कर चुके थे, अब इस 2021 में जो नए बच्चे हैं उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था और उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनके नंबर मिलने चाहिए थे। बट आप सभी ने क्या किया कि आप जो रेफरेंस ईयर उस आधार पर बच्चों के नंबर दिए गए, तो यहाँ पर वो कुछ नहीं बोल रहे दोस्तों। उन्होंने कहा कि जो कमेटी ने डिसाइड किया था, मेंबर कमेटी ने डिसाइड किया, तो वही तरीका अपनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी तरीका मान लिया था, इसलिए हमने ये तरीका अपनाया। यानी रेफरेंस ईयर को मुश्किल से ही हटाया जाएगा, क्योंकि रेफरेंस ईयर से दोस्तों अगर रेफरेंस ईयर हट जाता तो बहुत ही ज़्यादा सही माना जाता, क्योंकि दोस्तों अगर रेफरेंस ईयर हट जाएगा तो ऐसे हजारों बच्चे हैं जो रेफरेंस ईयर की वजह से उनका रिजल्ट खराब हो गया है, उनके प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स थे, क्लास 10th में अच्छे मार्क्स थे, हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स थे, बट बोर्ड के रिजल्ट उन्हें कम कर दिया। क्यों कम कर दिया गया? क्योंकि उस स्कूल का जो रिजल्ट है पिछले 2 सालों से खराब था, यानी पिछले 2 सालों के जो विद्यार्थियों का खामियाजा 2021 के विद्यार्थियों को भुगतना पड़ा है। इसको लेकर दोस्तों उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। मैंने कहा था आपसे कि अगर हम एक साथ नहीं होंगे, एक साथ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये चीज़ें बस धरी की धरी रह जाएंगी, आप देखते रह जाएंगे और पेपर भी हो जाएगा और दोबारा से रिजल्ट भी आ जाएगा। बहुत से विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर हर किसी को सीबीएसई तो 95 दे नहीं सकती। चलो मानते हैं कि हर किसी को सीबीएसई 95 दे नहीं सकती, पर सीबीएसई को किसने अधिकार दिया कि हर बच्चे को 95, जिसके बच्चे के नंबर आए उसको 95 ना देने का? जिसके आए हैं तो उसको देना भी तो चाहिए। मानते हैं कि हर किसी को नहीं दे सकती, लेकिन जिसको आ रहे हैं उसका रेफरेंस यूज करके उसका रिजल्ट खराब करने का अधिकार किसको दिया है? किसने दिया सीबीएसई को? किसी ने दिया है? स्कूलों का अधिकार किसने दिया कि वो बच्चे का रिजल्ट खराब करे? बहुत से बच्चे साइंस साइड लेना चाहते हैं, तो कौन स्कूलों ने 50% पे साइंस साइड देगा, कौन कॉमर्स देगा? बहुत से बच्चे आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, अब आपने एग्ज़ाम तुरंत ले लिया है, 15 से 16 अगस्त से एग्ज़ाम है,
तो क्या बच्चे जेई मेंस की तैयारी करें या सीबीएसई के एग्जाम की तैयारी करें? पिछले 18 महीने से बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और 18 महीने से स्कूल खुल नहीं रहे हैं, बंद हो रहे हैं, कभी पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, बच्चों का जो माइंड है ना पूरी तरह डाइवर्ट हो चुका था। कोरोना काल से पहले जब स्कूल नहीं बंद हुए थे तो बच्चे लगातार अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे थे और अगर एग्जाम होता तो बच्चे बहुत ही अच्छे नंबर से पास होते, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोई मुझसे लिखवा सकता है और गारंटी से अच्छे से पास होते। बट अचानक से आप एग्जाम ले रहे हैं, पहले तो आप एग्जाम कैंसिल कर देते हैं। अब एग्जाम कैंसिल क्यों किया गया? मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था एग्जाम कैंसिल इसलिए किया गया क्योंकि आप लोग एग्जाम कैंसिल करवा रहे थे, हैशटैग चलाकर बड़े से बड़े यूट्यूबर न्यूज चैनल आप सभी का साथ दे रहे थे कि भाई पहले जान फिर जहान। तो दोस्तों या तो आपकी जान बची या तो जहान, अब तो जान तो बची लेकिन जहान तो आपको खराब होने वाला है ना। गलती हमारी ही थी कि हमने इस कैंपेन में सभी का साथ दिया, हमने एग्जाम को कैंसिल करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाला। उन्होंने कहा सीबीएसई में 100% फैक्ट के साथ कह रहा हूँ, सिर्फ सत्य बोल रहा हूँ, जिन सर से मेरी बात हुई उन्होंने 100% कहा कि सीबीएसई एग्जाम कैंसिल नहीं करना चाहती थी बट सीबीएसई ने दबाव में आकर एग्जाम कैंसिल किया। ये सत्य है और आपको एक्सेप्ट करना होगा और जो उस एग्जाम के कैंसिलेशन का कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपको भुगतना पड़ेगा और आप भुगत रहे हैं। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक आप साथ नहीं आएगा। आप देखो 16 अगस्त एग्जाम आने वाला, आप एग्जाम को देना पड़ेगा, 8 दिन में कौन एग्जाम खत्म करेगा भाई? कोई भी नहीं खत्म कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कितने हलफनामे दायर करेंगे? कुछ भी नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ आपका केस नहीं चला, हजारों लाखों केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है, एक केस आप और पेंडिंग पड़ेगा, किसी के एग्जाम कैंसिल नहीं हो रहे, किसी के एग्जाम नहीं दिए जा रहे, किसी का रिजल्ट खराब आ गया, ऐसे हजारों केस के पेंडिंग में। मैं आपको एक सत्य बात बता रहा हूँ, मेरे घर के पास 2 गली छोड़कर एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके क्लास 12 में नंबर कम आए। अब उस बच्चे का खामियाजा कौन भुगतेगा? सीबीएसई देगा जवाब? स्कूल देंगे जवाब? कोई भी जवाब देने वाला नहीं, क्योंकि आप लोगों की जवाबदाही जवाबदेही किसी के पास बनती नहीं है, क्योंकि संख्या कम है और जिसकी संख्या कम होती है वो हमेशा हारा हुआ होता है इस लोकतंत्र में। मैंने आप सभी से पहले कहा था। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हालांकि मैं बहुत सारी चीज़ आपको बताना चाहता लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपको शाम को या 8 बजे करीब दोबारा, अभी मेरे पास लाइव ऑप्शन नहीं आया दोस्तों, और सच बता रहा हूँ अगर लाइव ऑप्शन आता तो मैं आप सभी को 12 घंटे बैठ के आपके सारे सवालों को जवाब देता और 100% फैक्ट देता। तो अभी चीज़ें जो मैंने आप सभी को बताई दोस्तों, अगर आपको शिकायत करनी है तो आपको रीजनल ऑफिस जाना होगा और वहाँ पे आपको शिकायत दर्ज करनी है, क्योंकि फिर उस पर कमेटी बैठेगी, कमेटी बैठने बाद अब वो जांच करेगी, सही पाएगी तो आपके नंबर बढ़ेंगे, नहीं तो अगर आपके नंबर घटेंगे तो घटा भी दिए जाएंगे। दोस्तों वीडियो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते दोस्तों, हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर जरूर सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह हमें प्यार देते रहे दोस्तों, और मैं आप सभी को हर वो फैक्ट बातें लेकर आऊँगा। अगर आपको एग्जाम देना है तो हमारे चैनल पर द पॉलिटिकल मास्टर पर क्लास 12, क्लास 11th के और क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एसएसटी की सारी क्लासेस अवेलेबल है, आप वहाँ देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लव यू ऑल।